सो हे वेलकम बैक टू गाइज माई चैनल रिफ्लेक्शन आने वाले में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बड़े होंगे एंड मज़े में होंगे। तो फाइनली इससे पहले मैं तीन इंट्रो दो तो इंट्रो सीन पर रिएक्शन दे चुका हूँ, सॉरी तीन ही हो चुके हैं, वो भी संजू बाबू का इंट्रो था। तो अब जो है हमारा चौथा जो प्लेलिस्ट चल रही है, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी के जी चैप्टर टू के इंट्रो हैं तीन, रॉकी भाई का एंड अधीरा का एंड मूवी के स्टार्टिंग का इंट्रो भी है, तो उन पे जाके वो पहले मेरी मूवी देखिए, उन्हें देखिए, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो देखिएगा अगर आप चाहते हैं तो। तो ये है हमारा जो आज का सीन है, ये है KGF का कार सीन जो है जिसमें फाइट होती है। तो इस पर हम अपना रिएक्शन देने वाले हैं बिना किसी देरी के, स्टार्ट करते हैं एंड फिर बात करेंगे। तो चैनल फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना अगर अच्छी लगती है और शेयर भी करना। तो लेट्स प्ले KGF सीन, कार सीन। ओके कार भी एक से एक अच्छी निकाली है, अब लाएंगे भाई अपनी कार, मस्त कार। ये सबसे बड़ा सीन था ये मूवी का, जो ब्रेक कर करके लिया था। कुछ कुछ हॉलीवुड की कॉपी लग रहा है। रोगी वाह, भाई साहब भाई साहब, बिल्कुल हॉलीवुड वाली फीलिंग आ रही थी। डालो उसका KGF जाना मुश्किल है, वहां पे करुणा को मारना मुश्किल है। वो KGF कोई कंट्रोल में लेगा ये कभी सोचा भी नहीं था। खिलाड़ी है वो। खिलाड़ी है वो भाई साहब। कैसे कह सकते हो कि वो इस चक्रव्यूह को तोड़ नहीं पाएगा? मछली को हमेशा लगता है वो केंचुए का शिकार कर रही है।
उसे काटने पर पता चलता है कि वो एक बंसी है। अब बंसी किसके हाथ में है जानते हो ना? बचना नामुमकिन है। या तो ये था कार सीन विद फाइट, काफ़ी अच्छा था ये सीन भी, काफ़ी मज़ा आया इसमें भी। आई होप आप सबको भी मज़ा आ रहा होगा इस प्लेलिस्ट पे। और ये मतलब सीन इतने अच्छे थे, जब मूवी देख रहा था ना उस टाइम, फर्स्ट टाइम मैं हॉल में बैठ के, तो इतना इन्जॉयमेंट था, बैकग्राउंड म्यूजिक था। अब जब मैं यहाँ और देख रहा हूँ उतना ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि अब क्या हेडफोन्स देख रहा हूँ, बैकग्राउंड म्यूजिक की एक एक जो BGM होती है ना वो सब समझ में आती है, अच्छे तरीके से बढ़िया लगता है। एंड ऊपर से रॉकी भाई का स्टाइल, गाड़ियों का भी इसमें फाइटिंग सीन जो दिखाया गया था, बिल्कुल हॉलीवुड जैसी फीलिंग आ रही थी। ब्रेक ले लेके जो चल रहा था, मतलब ऊपर से गाड़ी इतनी अच्छी, इतना अच्छा सिनेमाटोग्राफी है, मतलब सब चीज़ इस फिल्म में अव्वल है। मतलब एक तो मूवी इतनी फास्ट है कि कब चालू हो जाए कब ख़त्म हो जाए पता नहीं लगती, क्योंकि इतनी अच्छी है देखने में पता नहीं चलता कब में क्या हो रहा है क्या नहीं। तो ये सीन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा। तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।